हेलो दोस्तों, हेलो गाइज। मैं एक और खूबसूरत जगह के बारे में बता रहा हूँ जो कि अंडमान निकोबार में है, और ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 35 किलोमीटर दूर साउथ अंडमान में पड़ता है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, और ये चलिए हम रास्ते एक भी वीडियो बनाता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं बहुत खूबसूरत जगह है, आप देखते रहिए, देखिए यहाँ से देखने से अपनी खूबसूरती है। यहाँ पे आप लोग भी आइए, देखिए, आनंद उठाइए, देखते रहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, देखिए कितना खूबसूरत जगह है। खूबसूरती जगह, बहुत खूबसूरत जगह है ये। अभी हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ से मैं आपको चारों तरफ घुमा करके वीडियो को दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छी जगह, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं। और मगरमच्छ से सावधान, यानी कि यहाँ आपको मगरमच्छ भी है, देखिए। और आगे चलते हैं, देखिए बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। आइए आप लोग को ये पूरा घुमा के दिखाता हूँ, देखिए। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग दो जने आए हैं, मैं और मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त को थोड़ा बहुत यहाँ जानकारी है, तो मैं चाहूँगा कि अपने दोस्त से कुछ पूछूं यहाँ के बारे में। तो चलिए उनसे आगे मैं बात करता हूँ यहाँ के बारे में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है, बात करते हैं। कोलिंगपुर बीच है जो बहुत ही खूबसूरत है, साउथ अंडमान का ये दक्षिणी किनारा है। देख सकते हैं इसका आप नज़ारा किस इस तरह से है। यहाँ में जापानी बंकर बहुत सारे ऐसे हैं जो जापानियों ने बंकर बना करके रखा था समुद्री लुटेरे से, समुद्री अटैक से बचने के लिए। और उसका ही ये पानी का लहरों से एक बहुत ही सुंदर किनारा बना, जिसका लोग टूरिस्ट प्लेस में ये आता है और यहाँ बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। अभी इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि धूपा का मौसम है और ये अभी टूरिस्ट सीजन नहीं होने के कारण थोड़ी सी लोग इधर कम आते हैं। शाम के समय में बहुत आते हैं तो इधर अपना आनंद लेते हैं। ये जंगल हो गए, थोड़ा सा ये नेचुरल खूबसूरती, पेड़ पौधे वनस्पति बहुत सारे हैं यहाँ पे, देखने को बहुत लोग आते हैं और मज़े लेते हैं। ये पीसफुल एरिया, इतनी शांति कहीं नहीं देखने को मिले। एक कोलिंगपुर बीच का जापानियों के द्वारा बनाया हुआ बंकर है, जो कि आप देख सकते हैं ये कितना मजबूत है। ये पानी का लहर, सुनामी का लहर, 2004 में बहुत ही भयानक सुनामी आई थी जिसको ये देखो झेल लिया। उस समय इतने सुनामी आई थी कि पूरे अंडमान, हटवे, निकोबार, बहुत सारे आइलैंड तहस नहस हो गया था, बहुत जनजीवन प्रभावित हुआ था, जिससे बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उस समय के ये सुनामी को भी झेल लिया, आप इसका अंदाज़ा मजबूती का लगा सकते हैं। देखिए अंदर ये बम के भी झटके को झेल लेता है, देखते हैं। ये जापानियों द्वारा बनाया बंकर है और इसको देखते हैं किस तरह से अंदर बनाया है। आइए आपको लेके चलते हैं उसके अंदर, मत चलिए छोड़िए, ज़्यादा ये है। देख सकते हैं इसकी जो है मोटाई कितना है, और इसको मैं बाहर से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए आपको लेके चलते हैं। ये है बंकर जिसे समुद्री लुटेरों, समुद्री दुश्मनों के ऊपर नज़र रखता था,
आप इसका लगा सकते हैं अंदाजा, इसको थोड़ा अंदर दिखाइएगा। देखिए बम को भी झटके को ये झेल लेता है। और ये इसके बाहरी का नज़ारा देख सकते हैं। और आगे भी है, वो थिरूर जगह है उसको बोलते हैं, जहाँ पे वहाँ भी जापानियों का बंकर बनाया हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह, 3 साल जापानियों ने यहाँ राज किया और बहुत कुछ ले करके गया और बहुत कुछ दे करके गया, जिसका हम बयान नहीं कर सकते। तो ये है यहाँ पे, ये जामुन का पेड़ है, इसको आप देख सकते हैं एकदम किनारे पर बैठे हुए हैं। ये पेड़ लगा हुआ है जो खूबसूरत समुद्र का बीच का एक अलग ही खूबसूरती बयां कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर पत्थर ये। और वो जो वो कौन सा है टापू, कौन सा है वो साउथ अंडमान का वो थिरूर जगह है यहाँ। थिरूर, थिरूर, अच्छा अच्छा थिरूर है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।